जून को प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस वर्सेज बीजेपी तो नहीं था, लेकिन मुकाबला कांग्रेस वर्सेज बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्र का मुकाबला था। वहां बाजीगर साबित हुए राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा वह कौन सा नेता है जिसकी लोकप्रियता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसके लिए आप यह तस्वीर देखिए, यह भीड़ है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। जब पूरी कांग्रेस जयपुर विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की मतगणना का इंतजार कर रही थी, उस वक्त सचिन पायलट मतदान के बाद करौली के लिए रवाना हो गए थे। ना कोई विज्ञापन छपा था, ना कोई पोस्टर लगे थे और ना ही कोई प्रोपोगेंडा हुआ था। लेकिन सचिन पायलट के एकमात्र आने की खबर से प्रदेश की जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है इस भीड़ के लिए पायलट को कोई भी प्रचार नहीं करना पड़ा, बल्कि पायलट के लिए यह भीड़ उस परिश्रम का परिणाम है जो पायलट ने जनता के बीच बिताया है और कमाया है। आज भले ही पायलट पार्टी और सत्ता के किसी बड़े पद पर नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन परवान पर चढ़ रही है और यह तब और साबित हो जाता है जब पायलट किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रहे हों। रविवार को करौली में शहीद हुए विमल सिंह की प्रतिमा का मूर्ति अनावरण और सोमवार को दौसा में अपने पिता और कांग्रेस के कदावर नेताओं में शुमार रहे दिवंगत राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर पायलट का जलवा देखने लायक था। पायलट की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनके विरोधियों के लिए शायद ही हजम हो रहा हो। आज राजस्थान की राजनीति में भले ही कोई खुद को बाजीगर या फिर जादूगर साबित करने में लगा हो या कोई कसर नहीं छोड़ रहा हो, मगर पायलट बिना किसी प्रचार प्रसार के भी जनता के लिए दिलों में इस तरह बस गए हैं कि उनको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। खैर, आप हमें बताइए, गहलोत और पायलट के इस कांग्रेस की तीखी तकरार के बीच क्या आज भी जनता सचिन पायलट को ज़्यादा पसंद करती है? प्रदेश भर में भले ही आपकी अलग अलग राजनीति में रहते हों, लेकिन आप हमें ये राय जरूर बताइए कि क्या सचिन पायलट आज भी प्रदेश के अंदर लोकप्रिय हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।